परमेश्वराच्या चरणी त्यांना उदंड आयुष्य लाभो अशी प्रार्थना करूया. सर्व भाविक भक्तांना माध्यमांना सर्वांना मोठी विनंती आहे. आपण सर्वांनी थांबायचंय. आता थोड्या दिवसात इथे लसीकरणाचा कार्यक्रम संपन्न होतो. आरम ट्रस्ट की तरफ से दो दिन जो कार्यक्रम चला वो कार्यक्रम इतने सुंदर और इतने अच्छे थे. उन्होंने महिला सीनियर सिटीज़न बच्चों तह के मांगे थाने में पहली बार हुआ है. उनका सारा श्रेय मेरे सारे भाइयों और ये आरम ट्रस्ट के अध्यक्ष रविंद्र मिश्रा, उनके सहयोगी सचटनीस विशाल नागरे, सारे भाइयों का नाम ले सकती हूँ लेकिन सब भाई आ गए मेरे के. उन्होंने बहुत मेहनत की और बहुत अच्छा प्रोग्राम किया और आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम करते रहेंगे. और मैं उनके आभारी हूँ कि उन्होंने मेरा जन्मदिन इतनी अच्छी तरह से मनाया. सर्वप्रथम मजा या माते समान मोटा बहनीला वाढदिवसाच्या लाख लाख शुभेच्छा देतो. तिला उदंड आणि निरोगी दीर्घायुष्य लाभो ही आई जगदंबेचरणी प्रार्थना करतो. आई जगदंबेच्या आशीर्वादाने या ठिकाणी आरंभ चॅरिटेबल ट्रस्टच्या प्रथम वर्धापन दिनानिमित्त या ठिकाणी विभागातील युवकांसाठी क्रिकेट स्पर्धा, नंतर महिलांसाठी खेळपटनीचा वर व लहानांपासून ते वृद्धांपर्यंत असा महाराष्ट्राचे सुप्रसिद्ध कीर्तनकार बाबा महाराज सातारकरांचं या ठिकाणी सुश्राव कीर्तन झालं. व या कार्यक्रमामागे आमच्या मोठ्या ताईचा खूप मोठा वाटा होता, सिंहाचा वाटा होता. व तिचा माया व प्रेम, प्रेमाची थाप या ठिकाणी अशीच सदैव आमच्या पाठीशी राहू द्या अशी आई जगदंबेचरणी प्रार्थना करून वाढदिवसाच्या पुनश्च एकदा तिला खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि इथंच थांबतो. धन्यवाद. कुछ बोलना नहीं चाहता मगर मेरे साथ में मेरे परिवार के तरफ से पंडित शिंदे हो गया, विशाल नागरे हो गए, समीर शिंदे, देशमुख, तारुक गणेश, तारुक साहेब और सगुन भाई, सब बहुत से ऐसे मेरे जो जितने दोस्त थे सब मतलब मेरे कंधे से कंधे लगा के ये प्रोग्राम कैसा होना चाहिए. रात दिन एक करके ये लोग प्रोग्राम आज सक्सेस किए, इसलिए मैं ऐसा ही उन लोग से प्रेम बनाए रखने और मेरे मार्गदर्शिका जो भावना ताईसा है उनका जो प्रेम हम लोग के ऊपर कायम ऐसे बना रहे और हमारी भी उम्र उन्हें लग जाए, बस इसके साथ मैं और कुछ करना चाहता हूँ. आज वर्धापन दिन है, उनकी तरफ से लोक कल्याण के लिए वाड़ा के अंदर 2 एकड़ जमीन में हॉस्पिटल, अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम बनाने जा रहे हैं.